नमस्कार प्रिय बच्चों, आज मैं आपको क्लास टेंथ में जो मैं विज्ञान पढ़ा रहा था उसमें अगला मैं चैप्टर लेके आपके सामने लेके आया हूँ। वो है हमारा चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंग बिरंगा संसार। ये चैप्टर दो भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में तो हम मानव नेत्र के बारे में बताएंगे, संक्षिप्त सा वर्णन होगा, और फिर उसमें मुख्य ये होगा कि हमारे मानव नेत्र के क्या क्या गुण होते हैं और उसमें कौन कौन से दोष होते हैं और उनका निवारण कैसे होता है। एक भाग तो यह है, दूसरा भाग है जिसमें हम इंद्रधनुष और प्रकाश का विकिरण, अन्य जो हमारी प्रकाश से संबंधित घटनाएं होती हैं उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ये हमारे हमें पता है कि हमारी जो आँख होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आँख की रोशनी चली जाती है तो हमारा जो रंग बिरंगा संसार होता है वो एक अंधकारमय हो जाता है। इस वजह से हमें अपनी आँख की सुरक्षा भी रखनी चाहिए और आँख के बारे में हमें पता भी होना चाहिए। वैसे वास्तविक रूप से ये थोड़ा सा जीव विज्ञान बायोलॉजी वाला पोर्शन है आँख की संरचना के बारे में, लेकिन हम यहाँ पर संक्षेप में आपको आँख के बारे में बताएंगे और आँख के जो लेंस होते हैं उसके अंदर एक गुण होता है उसके बारे में बताएंगे, और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि हमारी आँख के अंदर क्या क्या दोष आ जाते हैं जिससे कि हमें चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः 40 वर्ष की उम्र के बाद हमारी आँख की मांसपेशियाँ होती हैं वो थोड़ी शिथिल पड़ जाती हैं, तो हमें चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन अगर छोटे बचपन में भी अगर हमारे आँख के अंदर दोष होता है तब भी हमें आँख की चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज इसी संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला हमारा है इसकी प्रस्तावना जो हमने आपको परिचय करा दिया, दूसरा है मानव नेत्र एवं संरचना। जब हम देखते हैं बाहर की तरफ से तो ये हमें आँख इस तरह से दिखाई देती है, ये पुतली है, ये हमारी आँख है जो हम सामने से देखते हैं, लेकिन अंदर की जो रचना होती है इसमें विभिन्न भागों को बताया गया है। लेकिन मुख्य रूप से हम आपकी चर्चा करेंगे इस, ये हमारा नेत्र लेंस है, उत्तल लेंस होता है, ये मांसपेशियों का बना होता है, और ये जो भाग होता है ये हमारा कहलाता है दृष्टपटल या रेटिना, जहाँ पर हमारे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसके अन्य भाग भी होते हैं जो बने होते हैं, जिन भिन्न भिन्न भागों से बने होते हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मुख्य इसका गुण है, मुख्य गुण इसका यह है नेत्र की समंजन क्षमता। इसको आप थोड़ा सा जरूर समझ लें ये क्या होता है। देखिए, हमारे आँख के अंदर एक गुण होता है कि ये एक सीमा तक अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेती है। आँख का वह गुण जिसके अंतर्गत ये अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा कर लेती है जिससे कि अंतिम प्रतिबिंब हमारा कहाँ बने, अंतिम प्रतिबिंब रेटिना पर बने। जैसे अगर बहुत दूर वस्तु रखी हुई है, बहुत दूर वस्तु रखी है तब भी रेटिना पर बनना है, हम पास पास लेके आ रहे हैं इसको, पास पास लेके आ रहे हैं तब भी रेटिना पर बनना है। ये हमें पता है कि हमारा सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। अब ये और ये दूरी तो निश्चित है, ये तो निश्चित है, और हम u को बदलना है और इसके साथ साथ हमारा f भी बदलना है एक सीमा तक। कहने का मतलब जब दूरी 25 सेंटीमीटर रह जाती है उसके बाद हमारी जो आँख है वो अपनी फोकस दूरी को नहीं बदल पाती। अगर हम 25 सेंटीमीटर से थोड़ी कम दूरी पर भी किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, लेकिन हमारे मांसपेशियों की तनाव की वजह से सिर में दर्द होने लगता है। तो हमारे आँख की वह क्षमता जिसके अनुसार वो एक सीमा तक अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेती है, इस गुण को हम कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता का मतलब यह है आँख का वह गुण जिसके द्वारा एक सीमा तक आँख का लेंस अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेता है, इस गुण को आँख की समंजन क्षमता
समंजन क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। अच्छा, वो सीमा क्या क्या होती है? वो सीमा होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब 25 सेंटीमीटर तक हमारी आंख की फोकस दूरी परिवर्तित होती रहेगी, लेकिन 25 सेंटीमीटर के बाद जो स्वस्थ आंख होती है उसकी फोकस दूरी परिवर्तित होना बंद हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारी आंख की मांसपेशियां ढीली पड़ती जाती हैं, 40 वर्ष के बाद ये गुण खत्म होने लगता है, मतलब 40 वर्ष के बाद हमारी आंख अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करने की जो उसके अंदर क्षमता होती है, समझने क्षमता होती है, वो धीमे धीमे कम होती जाती है। तो हमें अपने एक चश्मे की जरूरत पड़ती है, कभी हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, कभी पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, कभी दोनों ही चीज़ें नहीं दिखाई देती, तो हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमसे कहता है कि आप चश्मा लगा लीजिए। लेकिन जो स्वस्थ आँख होती है, स्वस्थ आँख का मतलब जिसके अंदर चश्मा आदमी नहीं लगाया, और 25-26 साल का 30 साल का कोई आदमी है जिसका आँख का चश्मा नहीं लगा, तो उसके अंदर ये गुण होगा कि वो उसका जो लेंस होगा, नेत्र लेंस होगा, वो अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा कर सकता है। तो इस गुण को हम कहते हैं आंख की समंजन क्षमता। अब दूसरी बात आती है नेत्र का दूरबिंद। नेत्र का दूरबिंद जो होता है वो अनंत पर होता है। अब मैं जो आपसे चर्चा करना जा रहा हूं नेत्र का दूरबिंद, नेत्र का दूरबिंद का मतलब ये है, जैसे ये नेत्र का लेंस है और ये आंख है और ये रेटिना बना हुआ है, ये और दूर वस्तु रखी हुई है इस तरह से, जिससे आंख में कोई तनाव नहीं है और हमारा प्रतिबिंब कहां बनना है, रेटिना में बनना है, ये रेटिना है, रेटिना रेटिना। तो जो स्वस्थ आंख होती है उसका नेत्र का दूरबिंद अनंत पर होता है, अनंत पर। लेकिन जो आदमी स्वस्थ, जिसका आंख स्वस्थ नहीं है, उसका दूरबिंद अनंत पर न होकर के कहीं पास में भी हो सकता है, मतलब 50 मीटर की दूरी पर भी हो सकता है, 20 मीटर की भी दूरी पर हो सकता है, ठीक है। तो नेत्रबिंद स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंद जो होता है वो अनंत पर होता है। अब दूसरा आता है नेत्र का निकट बिंद। नेत्र का निकट बिंद का मतलब वह बिंद होता है जहां तक आंख हमारी स्वस्थ रूप से देख सकती है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी हुई है यहां पर, यहां से चलने वाली वस्तु का भी प्रतिबिंब रेटिना पे बना हुआ है इस तरह से। यहां रेटिना पर ये जो दूरी होती है स्वस्थ आंख के लिए वो 25 सेंटीमीटर होती है, इसको हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम जो आदमी स्वस्थ होता है उसका जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। अब देखिए, मैंने जो आपसे चर्चा की थी नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र के अंदर ये गुण होता है कि बहुत दूर रखी हुई वस्तु और 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को वो स्पष्ट रूप से देख सकता है, 25 सेंटीमीटर से कम वाली दूरी पर वो वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। ये मैं बात कर रहा हूं स्वस्थ आंख के लिए। और बहुत दूर रखी हुई, अनंत पर रखी हुई वस्तु, उसका भी प्रतिबिंब रेटिना बनेगा, उसको हम पास पास लेते आएंगे और 25 सेंटीमीटर जब दूरी रह जाएगी तब भी हमारा प्रतिबिंब रेटिना के अंदर बनेगा। तो उसके लिए हमारे ये जो नेत्र का जो लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर देता है। इस गुण को तो कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। और दूर बिंदु होगा वो अनंत पर होगा और निकट बिंदु होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर पर। जो आदमी अस्वस्थ होता है, जिसकी आंख स्वस्थ नहीं होती, तो उसके लिए ये निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो उसका वो आदमी के अंदर, आंख के अंदर दोष पाया जाता है। और इस गुण को हम बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। अब देखिए, उसके आप किसी मनुष्य के अंदर उम्र के हिसाब से उसके अंदर दोष आ जाते हैं कि वो उसको
दूर का नहीं दिखाई देता, पास का नहीं दिखाई देता, इस तरह से उसके अंदर दोष आ जाते हैं जिसको कहते हैं दृष्ट दोष एवं निवारण। मतलब चार तरह के दोष होते हैं, निकट दृष्ट दोष, दूर दृष्ट दोष, जरा दृष्ट दोष, अवकेंद्रता, जिसमें ये पहले जो दोष दिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो ये पूछा जाता है कि एक छात्र है जिसमें उसको कक्षा में पढ़ रहा है और उसको ब्लैक बोर्ड का नहीं दिखाई देता है, तो उसके अंदर कौन सा दोष है, इसका निवारण कैसे किया जाएगा। ये पूछा जाता है कि इतनी दूरी पर रखी हुई बस तो स्पष्ट दिखाई देती है और लेकिन पास रखी हुई बस उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो उसके अंदर कौन सा दोष है। तो इस तरह से इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम आपको डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, निकट दृष्ट दोष, वही हम आज आपको पढ़ाएंगे। दूर दृष्ट दोष हमारे अगले वीडियो में होगा, निकट दृष्ट दोष कब पैदा होता है और इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो देखिए मैं कुछ चित्र आपके सामने बना रहा हूं, उनसे आप समझने का प्रयास करें। मेरे नोट्सों में ये सब चीजें आपको दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं निकट दृष्ट दोष। निकट दृष्ट दोष निकट दृष्ट दोष ये वो दोष होता है जिसमें दूर स्थित रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब तो हमें दिखाई देता है लेकिन पास की रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता, इसको हम कहते हैं निकट दृष्ट दोष। निकट दृष्ट दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसको कहते हैं निकट दृष्ट दोष। अब इसका कारण क्या होता है, देखिए हम पहले बात कर रहे हैं स्वस्थ आंख की। ये देखिए ये स्वस्थ आंख के लिए, ये रेटिना प्रतिबंध और ये अनंत से वस्तु आ रही है, ये स्वस्थ आंख है, आंख है इसका दूर बिंदु बिंदु अनंत पर है, अनंत पर है। लेकिन जो मनुष्य इस दोष से ग्रसित है उसके साथ क्या होगा, अगर हम ये लेते हैं तो प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है अर्थात इसको दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, तो ये अस्वस्थ आंख होगी, स्वस्थ आंख, आंख ठीक है, अस्वस्थ आंख हो गई और इसमें दोष हो गया निकट दृष्ट दोष, निकट दृष्ट दोष। इसमें क्या हुआ, इसको पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट इस वजह से नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन गया। अब देखिए होगा क्या, अब मान लीजिए इसको ये आंख है और ये कहा जाता है कि उसको 50 मीटर दूरी तक का स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये यहां से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये 50 मीटर की दूरी तक का स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका जो दूर बिंदु है वो अनंत पर न स्थित होकर के 50 मीटर की दूरी पर है। अब जैसे मान लीजिए एक कोई छात्र है वो कक्षा में बैठा हुआ है, उसको ब्लैक बोर्ड मान लीजिए 20 मीटर की दूरी पर है, वो उसको ब्लैक बोर्ड है
वो उसको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, वो ब्लैक बोर्ड पर जो रखी हुई वस्तु है वो उसको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो पास में जो रखी हुई वस्तु है वो उसको स्पष्ट दिखाई दे रही है। वो पास में रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, ब्लैक बोर्ड वाला वस्तु है उसको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके अंदर जो दोष होगा निकट दृश्य दोष होगा, क्योंकि उसका जो दूर बिंदु है वो अनंत पर न स्थित होकर के पास में है जहां से वो वस्तु हमें दिखाई दे रही है। तो इस वजह से इसका जो दूर बिंदु है वो अनंत पर ना होकर के कहां पर होगा, 50 मीटर की दूरी पर होगा। तो उसमें निकट दृष्ट दोष होगा, निकट दृष्ट दोष। अब इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जहां तक कि वो वस्तु को वो दिखाई देता है, जितनी दूरी तक की वस्तु को दिखाई देता है उतने ही फोकस दूरी का एक अवतल लेंस ले लेते हैं। उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसको यहां तक का दिखाई देता है, तो इसके आगे हम क्या करते हैं एक अवतल लेंस ले लेते हैं और इस अवतल लेंस को इसके सामने रख देते हैं, आंख के सामने इस तरह से, इस तरह से। अब देखिए होता क्या है कि आप दूर से आ रही है किरणें, आ रही है दूर से, ये आ रही है और इसको ये लगा कि ये यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है और फिर इसको यहां पे बन जाएगा ये देखिए हुआ क्या है इसमें, ये यहां तक कि 50 मीटर तक की उसको दिखाई देता है, 50 मीटर हो सकता है या हम मान लेते हैं 5 मीटर हो सकता है, 5 मीटर तक का दिखाई देता है उसको। तो हमने क्या किया, 5 मीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस लिया और उसके चश्मे में इसको हमने लगा दिया। तो उससे क्या होगा कि जो बहुत दूर से किरणें आ रही हैं उसका प्रतिबिंब आवासीय प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, 5 मीटर की दूरी पर, और उस 5 मीटर की दूरी का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, या रेटिना पर बन जाएगा, और इस तरह से उसका जो दोष है उसके अंदर उसका निवारण हो जाएगा। फिर मैं इस चीज को एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। उसका कारण क्या होता है, उसका जो दूर बिंदु है वो अनंत पर ना होकर के कुछ दूरी पर स्थित होता है। जैसे वो मान लीजिए 5 मीटर तक की दूरी को वो अच्छी तरह से देख सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि निकट का बिंदु अनंत पर ना होकर के 5 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए इसमें दिखाया गया ये स्वस्थ आंख है, ये अस्वस्थ आंख है। इसमें क्या, अगर हम बहुत दूर से अनंत से दूरी से किरण आ रही है तो वो प्रतिबिंब कहाँ बना रही है, रेटिना से प्रतिबिंब पहले बना रही है, यहाँ पे उसको प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। और वही दूरी अगर 5 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है और उसका प्रतिबिंब उसके रेटिना बन रहा है, इसका मतलब है दूर की वस्तु उसको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, 5 मीटर की दूरी पर कोई रखी हुई वस्तु है वो उसको स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो इसमें जो दूर बिंदु है वो अनंत पर न होकर के 5 मीटर की दूरी पर स्थित होता है। ये किसी के 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो सकता है, किसी के 10 मीटर की हो सकता है, किसी के 3 मीटर की पे हो सकता है। अब हमने क्या किया, इसको निवारण करने के लिए क्या किया, उतने ही फोकस दूरी तक का, जितनी फोकस दूरी के दूर तक की वो वस्तु को वो देख सकता है उतने ही फोकस दूरी का एक अवतल लेंस उसके चश्मे में लगा दिया। तो दूर से आने वाली जो किरणें होंगी अनंत से या दूर से आने वाली किरणें होंगी उनका जो प्रतिबिंब बनेगा आवासीय प्रतिबिंब बनेगा लगभग 5 मीटर की दूरी पर, और इस पर आंख से देखने पर ये लगेगा कि 5 मीटर जो वस्तु अनंत पर या बहुत दूर रखी हुई है उसका प्रतिबिंब 5 मीटर की दूरी पर बनेगा, और फिर 5 मीटर से इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, जिससे उसको वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो इसमें बड़े सरल से सवाल बनते हैं कि जैसे एक छात्र है या कोई एक आदमी है वो 3 मीटर तक की दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है जबकि बहुत दूर रखी हुई वस्तु को वो स्पष्ट नहीं देख पाता, तो उसके अंदर कौन सा दोष होगा। 3 मीटर की दूरी की वस्तु को तो वो स्पष्ट देख लेता है लेकिन बहुत दूर रखी हुई वस्तु को वो स्पष्ट नहीं देख पाता है, मतलब 50 मीटर की दूरी पर या 15 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हो उसको स्पष्ट नहीं देख पाता, तो इसका मतलब उसके अंदर निकट दृष्ट दोष हुआ। पास वाली वस्तु को तो वो देख ले रहा है लेकिन दूर वाली वस्तु को वो नहीं देख पा रहा है, तो उसके अंदर निकट दृष्टि दोष हुआ। जितने दूरी तक की वो फोकस जितनी दूरी तक की वस्तु को वो देख पा रहा है उतने ही फोकस दूरी का अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी जिससे उसके इस दोष का निवारण हो जाएगा। तो मैं आज इतना ही आपको बताना चाहूंगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें अवतल लेंस की आवश्यकता की पड़ती है, और इसमें
मुख्य बात ये होती है कि जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर ना होकर के बल्कि पास में, मतलब कुछ दूरी पर होता है, उतने ही फोकस दूरी का, जहां पर वो होता है उतने ही फोकस दूरी का हम अवतल लेंस इसमें प्रयोग कर लेते हैं। मैं कल आपको अगला दोष पढ़ाऊंगा और उस दोष को हम कैसे निवारण करते हैं। निश्चित है अगला दोष हमारा दूरदृष्टि दोष होगा और उसके निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, निकट दृष्टि निवारण के लिए हमें अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर आता है, इनकी परिभाषाएं समझ लीजिए। नेत्र के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन दोष क्या होते हैं और उनका निवारण कैसे किया जाता है। आप पढ़ते रहिए और मैं आपको सहयोग करता रहूँगा। धन्यवाद।